आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे SLPS के तरफ से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़। जो वैकेंसी निकाली गई थी SLPS के तरफ से, दो दो वैकेंसी निकाली गई थी, एक FTE स्टाफ की और एक कंसल्टेंट की। तो दोनों वैकेंसीज को यहाँ पे टोटली यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिस फॉर पोस्टपोन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ FTE एंड कंसल्टेंट। इसको हम लोग और अच्छे से जानते हैं। जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है नोटिस दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रोसेस है इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है। इसको और अच्छा से हम लोग देखते हैं इसका PDF डाउनलोड करके। तो यहाँ पे इसका डिटेल्स दिया गया है, झारखंड सरकार की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है SLPS को, और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अभी फिलहाल जो है जो वैकेंसी निकाली गई है उसको पोस्टपोन किया जाए और नया यहाँ पे गाइडलाइन दिया जाएगा आपका जाके स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से। उसके बाद जो है फिर से री एडवाइज निकाला जाएगा SLPS के तरफ से, फ्रेश फ्रेश वो एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। ये यहाँ पे एक प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जो है एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31 अक्टूबर तक जो भी नियुक्ति का सेवा शर्त है, नियमावली है, जो भी विसंगति है उसमें, उसको दूर करने का जो है ऑर्डर दिया गया है। और ये ऑर्डर के हिसाब से ही जो है SLPS पे वो लागू हुआ है, झारखंड सरकार पे ये लगाया गया है, जितना भी विभाग है सब पे ये लागू हुआ है। उसके साथ वो SLPS पे भी लागू हुआ है कि जो भी कमी है, विसंगतियां हैं, उसको दूर करके जो है 31 अक्टूबर तक जो है इसका सेवा शर्त में जो भी नियमावली है इसको चेंज करना है और इसको संगठित तरीके से बनाना है और उसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद ही जो ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी फिर से SLPS की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पे जो भी वैकेंसी, दो प्रकार की वैकेंसी आई हुई थी, दोनों को यहाँ पे टोटली निरस्त कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और फिर से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगी इसका, जो भी नियमावली बनेगा उसके बाद जो है ये वैकेंसी निकाला जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी वैकेंसी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको हम लोग सीट्स का साइड में चल के देखते हैं कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीट्स का साइड में आ चुके हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। और सीट्स के साइड में हम लोग सबसे पहले कंसल्टेंट का देख लेते हैं कि क्या हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई में हम लोग क्लिक करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है फॉरबिडन का, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। मतलब यहाँ पे जो भी सर्वर था ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसको कंसल्टेंट का बंद कर दिया गया है। अब हम लोग FTE का देखते हैं, FTE का क्या स्टेटस है। FTE वाले में हम लोग जाते हैं, FTE वाले में हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें भी वही मैसेज पॉपअप हो रहा है। मतलब जो परमिशन था इसको यहाँ पे टोटली सर्वर को जो है क्लोज कर दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये जो भी वैकेंसी आई हुई थी यहाँ पे, जितने भी आप लोग देख सकते हैं BPM, BPO, DM, उसके बाद जो भी पोस्ट स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल का, सारे वैकेंसी को टोटली यहाँ पे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है अगले आदेश तक। जब भी झारखंड सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ होगा ये वैकेंसी जो है फिर से निकाला जाएगा। ये आप लोग जो है अच्छा से इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारा जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो SLPS के साइट पे इंफॉर्मेशन आया है कि जो भी वैकेंसी है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और ये फ्रेश वैकेंसी फिर से निकाला जाएगा जब नियमावली जो है निर्धारित कर दी जाएगी झारखंड सरकार की तरफ से। तो इसमें जो है जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं अभी तक, वो फिलहाल वो जो भी वैकेंसी है वो कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसमें जो भी कैंडिडेट हैं वो उसको नाखुश होने की आवश्यकता नहीं है, वो हताश ना हो, ये वैकेंसी जो है फिर से निकाली जाएगी और आगे में जो भी होगा उसमें हो सकता है कि नियम में कुछ चेंज हो, कुछ आपके लिए अच्छा हो। अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में उसके लिए कुछ बेहतर हो और वो अप्लाई कर पाए।
और इसी तरह का जो है, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो है अपडेट करूंगा। आप लोग जो है चैनल में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।